ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भा भवेत्। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को दुख तकलीफ कष्ट न हो, इस कामना के साथ आज हम चर्चा करेंगे गुरु और मंगल की युति जब जन्मपत्री में होती है तो जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं। ये एक श्रेष्ठ युति होती है, इसका बहुत शुभ फल मिलता है। यदि गुरु और मंगल नवम पंचम लग्न आदि ग्रहों के स्वामी हो तो एक तरह से राजयोग ही होगा। जातक सुख प्राप्त करेगा, वैभव प्राप्त करेगा। किंतु अगर गुरु मंगल की युति छठे आठवें या बारहवें भाव में बने अथवा इनमें से कोई एक ग्रह भी इन भावों का स्वामी हो तो शुभ फलों में कमी हो सकती है। तीसरे चौथे और आठवें भाव में मंगल जो है वो बद कहलाता है, परंतु दूसरे भाव से लेकर पांचवें भाव तक यदि मंगल के साथ गुरु भी हो तो ऐसी स्थिति में गुरु का और मंगल का शुभ फल मिलता है। भाव यह है कि चौथे घर में मंगल बद होता है, किंतु अगर उसके साथ गुरु भी चौथे भाव में हो तो उसका शुभ फल जातक को प्राप्त होगा। तो बाकी ग्रहों में कामिल फकीर का योग होगा। यदि दोनों ग्रहों को शनि देखे तो ऐसी स्थिति में शत्रु विरोध नहीं करेंगे और उत्तम घरों में शुभ फल प्राप्त होगा। पहले भाव में यदि गुरु और मंगल का योग हो ऐसी स्थिति में जातक महाधनी होगा, राजा के समान सुख प्राप्त करेगा और धन वैभव इसका बढ़ता ही जाएगा। यदि कुंडली के सप्तम भाव में बुध हो या वर्ष फल में सप्तम भाव में बुध हो तो ऐसी स्थिति में अशुभ योग बनेगा और लग्न में इस मंगल और गुरु की युति का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। भावदों में यदि यह युति बनती हो गुरु और मंगल की, ऐसी स्थिति में ससुराल परिवार का संबंध जो है बहुत शुभ होगा। गृहस्थ के साथी व रिश्तेदार जातक की एक आवाज पर खून पसीना एक कर देंगे, अर्थात उसका आज्ञा का पालन करेंगे। सभी उसको बहुत मानते होंगे, सम्मान करते होंगे। और ऐसी स्थिति में यदि बुध छठे भाव में हो तो जातक जो है विद्वता से धन लाभ प्राप्त करता है, अपनी विद्या से धन लाभ प्राप्त करता है। भाव तीन का विचार करेंगे। यदि कुंडली के भाव तीन में गुरु और मंगल की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक पूजा और पाठ करने में अद्वितीय होगा, भगवान का भक्त होगा, बड़ी ही आराधना से भक्ति से पूजा पाठ करता होगा और पैतृक धन जो है वह भी बहुत अच्छा जातक को प्राप्त होगा। पैतृक धन की पूरी रक्षा जातक करेगा और उसके धन में वृद्धि भी होगी। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल की युति हो तो ऐसी स्थिति में परिवार में पुरुष सदस्यों की कोई कमी नहीं होगी, परंतु धन दौलत की कोई शर्त नहीं। धन दौलत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु जातक का कुल जो है वो आगे बढ़ता होगा, कुल में वृद्धि होगी। भाव पांच का विचार करें। यदि कुंडली के भाव पांच में गुरु और मंगल की युति होगी तो ऐसी स्थिति में संतान के जन्म के पश्चात जातक को हानि हो सकती है, दान लेना जातक को नुकसान करेगा।
भाव छह में यदि गुरु और मंगल की युति कुंडली में हो तो ऐसी स्थिति में जातक स्वयं बड़ा भाई होगा और फल शुभ जातक को प्राप्त होगा। यदि कुंडली में बुध दूसरे भाव में हो तो बुध भी बहुत शुभ फल देगा, किंतु यहाँ केतु जो है वो मंदा हो जाएगा। केतु मतलब संतान, तो संतान सुख में यहाँ कुछ कमी हो सकती है। भाव सात और आठ में गुरु और मंगल अपना अपना फल देंगे, किंतु इसके एक उपाय पर चर्चा मैं आपसे सबसे बाद में करूँगा। यदि बुध मंदा हो तो दोनों ही मंदे होंगे जब दोनों ग्रह सात और आठ में युति करेंगे। भावनों में गृहस्थ परिवार धन संपत्ति सब कुछ उत्तम होगा। यदि भाग्य स्थान में गुरु मंगल की युति हो तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत भाग्यशाली होगा, वैभवशाली होगा, धन संपत्ति प्राप्त करेगा, आदर सम्मान प्राप्त करेगा। यदि कुंडली के दसम भाव में गुरु और मंगल की युति हो, ऐसी स्थिति में यदि चतुर्थ भाव या छठा भाव खाली हो तो जातक का भाग्य जो है वो खोटा होगा, पाप मार्ग से जातक धन लाभ प्राप्त करेगा। इसके बाद हम विचार करते हैं भाव 11 का। गुरु और मंगल दो मित्र ग्रह बहुत ही शुभ योग बनाते हैं। अब 11वें भाव में जातक के शाही ठाट होंगे, जातक एक राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी और ऐसी स्थिति में जातक अपने ग्राम का मुखिया कोई नेता भी हो सकता है और उच्च पद जातक प्राप्त करता है, मान सम्मान पूरा प्राप्त करता है। तो कहने का भाव है कि गुरु और मंगल की युति यदि एकादश भाव में लाभ स्थान में हो तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत भाग्यशाली हुआ करता है, बहुत धनवान हुआ करता है। शाही ठाट का मतलब है कि उसके राजयोग होंगे, कुंडली में राजयोग बनेगा, राजतुल्य जातक जो है सुख प्राप्त करेगा। अब हम विचार करते हैं कुंडली के 12वें भाव में यदि गुरु और मंगल मित्र ग्रह कुंडली के 12वें भाव में हों तो ये भी बहुत ही शुभ योग होगा। जातक श्रेष्ठ व समृद्ध परिवार से होगा, धनवान होगा और वैभव प्राप्त करेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जातक यदि किसी को आशीर्वाद भी दे देंगे तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, उसको भी धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। और आगे 12वें भाव के बारे में विचार करते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ गुरु और मंगल जातक को सुख चैन की नींद देता है, प्रसिद्धि देता है, जातक बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। मंदी हालत में हम विचार करेंगे कि अष्टम भाव में यदि मंगल बद हो या ज्योति यदि अष्टम भाव में बन रही हो तो ऐसी स्थिति में 31 वर्ष तक की आयु तक भाइयों के सुख में कमी हो सकती है, भाइयों को कष्ट हो सकता है, रोग हो सकता है, परेशानी हो सकती है और 5 वर्ष की आयु तक रिश्तेदारों के ऊपर बहुत भारी कष्ट आएगा, रिश्तेदारों की संख्या में कमी हो सकती है। यदि भाव 6 में यह युति बनती हो तो ऐसी स्थिति में केतु मंदा होगा, संतान सुख में कमी होगी। और भाव 7 में यदि गुरु और मंगल की युति बन रही हो तो ऐसी स्थिति में अच्छी आमदनी होते हुए ही भारी कर्ज जातक के ऊपर चढ़ जाएगा, जिस कारण उसको परेशानी रहेगी। तो गुरु और मंगल अलग अलग भावों के अनुसार शुभ फल भी दे रहे हैं और त्रिक भावों में मंदे भावों में अस्तगत होने पर ये मंदा फल भी देते हैं और इनको ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और
मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो ये है गुरु और मंगल की युति का प्रभाव, जिसे श्रेष्ठ गृहस्थ कहकर लाल किताब में पुकारा गया है। तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप उससे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।